धम्म पद गाथा क्रमांक 356, 357, 358, 359, ऐसे चार प्रकार की ये धम्म पद की गाथाएं तथागत भगवान बुद्ध ने एक विशेष अवसर पर ये कही थी। आज दिनांक 6 जनवरी 2021 ये चार गाथाएं तथागत बुद्ध ने देवलोक स्थित पांडु कंबल शिला पर कही थी। गाथा है चार। तीन दोषानि खेतानि राग दोषायं पजा तस्माहि वितरागेषु दिनं होति महफलं। तीन दोषानि खेतानि दोष दोषायं पजा तस्माहि वित दोषेषु दिनं होति महफलं। तीसरी गाथा। तीन दोषानि खेतानि मोह दोषायं पजा तस्माहि वितमोहस्य दिनं होति महफलं। और चौथी गाथा है। तीन दोषानि खेतानि इच्छा दोषायं पजा तस्माहि विगतिच्छेषु दिनं होति महाफलंति। ऐसी ये चार गाथा उनकी देशना तथागत भगवान बुद्ध ने देवलोक में स्थित पांडु कंबल शिला पर ध्यान साधना करते समय अंकुर नाम के देव पुत्र को ये देशना तथागत बुद्ध ने देवता लोक में ये देशना अंकुर देव पुत्र को और इंद्रक ऐसे ये दोनों देव पुत्रों को उद्देश्य करके ये गाथाएं तथागत बुद्ध ने कही थी। उसने उस देव पुत्र ने एक बार भिक्षाचारी करते हुए जो पिंडपात के लिए घूम रहे थे अनुरुद्ध स्थवीर जो अर्हत थे, ये अनुरुद्ध स्थवीर को एक बार उन्होंने एक कड़छुल भर भात दिया था अंकुर ने, और उन्हें वो भात देने के लिए प्रेरणा देकर किसी ने प्रेरणा दी और उन्होंने एक कड़छुल यानी एक चमचा भर बड़ा चमचा भर भात उनके पात्र में दे दिया। और ये एक चमचा भर भात अर्हतों के पात्र में देने के कारण ये अंकुर देवपुत्र द्वारा वो देवपुत्र बना इस पुण्य से, और इतना बड़ा पुण्य वो पाते रहा। तो वो कहता है कि एक चमचा भर भात मैंने दिया था अर्हत के पात्र में, उसके परिणाम स्वरूप 10,000 वर्ष तक 12 योजन
लंबे मार्ग में चूल्हे जलाकर चूल्हों की पंक्ति लगवाकर भोजन दान देने से 10,000 वर्षों तक कोई 12 योजन ऐसे लंबे रास्ते में चूल्हे लगाए और चूल्हे लगाकर भोजन दान देते रहे 10,000 वर्षों तक वो दान देते रहे, उस दान से भी इतने लंबे समय तक दान देने से उससे भी बड़ा ऐसी बात तथागत बुद्ध को अंकुर ने बताई कि इतना महत्वशाली ये दान रहा है कि जो मैंने केवल एक कड़ छूल भर भात अर्हत उनकी पात्र में अर्हत अनिरुद्ध की पात्र में मैंने दिया था। तो ये जब उन्होंने बताया तब ये बताने के बाद तथागत बुद्ध ने उनको कहा कि अंकुर, देवपुत्र अंकुर, दान सोच समझ कर ही देना चाहिए, दान विवेक पूर्ण देना चाहिए। यदि विवेक पूर्ण दान तुमने दिया होता तो और भी तुम्हें अधिक लाभ मिला होता, और जो भी तुमने दिया ये अच्छा किया सोच समझ कर ही दिया, तो सोच समझ कर दान देने से उसका फल अधिक मिलता है। ये बात तथागत बुद्ध ने इन चार गाथाओं में समझाई है कि जैसे कि किसी अच्छे खेत में किसान सोच समझ कर अच्छे खेत में यदि वो बीज बोता है तो वहां पर खेती अच्छी होने की वजह से, जमीन अच्छी होने की वजह से बहुत अच्छा फल मिलता है। लेकिन ये विचार करके सोच समझ करके यदि कोई किसान बीज नहीं बोता, वो घास वाली जगह पर बीज बो देता है या कहीं कंकर पत्थर वाली उसमें कोई बीज बो देता है तो उसमें अधिक फल नहीं मिलता है। लेकिन जहाँ घास नहीं है, जमीन अच्छी है, खेती अच्छी है, ऐसे जगह पर बीज बोने से अच्छा फल पाया जाता है, अच्छे फल की आशा की जा सकती है। तो इसी तरह तथागत बुद्ध कहते हैं कि व्यर्थ घास जहाँ पर हो, जिस घास का कोई उपयोग नहीं, ऐसी व्यर्थ घास के जमीन में यदि कोई बीज बोता हो तो उससे फल अच्छा नहीं मिलेगा। उसी प्रकार जिस व्यक्ति में आसक्ति होती है, अनुराग होता है, यह अनुराग ये चित्त का एक क्लेश है, और ऐसे जगह पर यदि कोई दान दे तो उसका फल बहुत बड़ा नहीं मिलता। इसी प्रकार व्यर्थ घास जहाँ पर उगता है, घना घास है, जमीन अच्छी नहीं है, वहाँ यदि कोई बीज बोले तो अच्छा फल नहीं मिलता। उसी प्रकार जो कोई व्यक्ति जिसके मन में द्वेष है, ऐसे द्वेष भरे व्यक्ति को यदि कोई दान देता है तो उसका उतना अच्छा फल नहीं मिलता है। लेकिन द्वेष से मुक्त व्यक्ति को दान देने से अच्छा फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है, ये बात तथागत बुद्ध ने बताई। उसी प्रकार व्यर्थ जहाँ घास है, जहाँ कंकड़ पत्थर है, पथरीली जमीन है, जमीन का नामो निशान है कंकड़ पत्थर है, और ऐसे कंकड़ पत्थर वाले जमीन में कोई बीज बो दे तो वहाँ अच्छा फल नहीं मिलता है, अच्छा फल नहीं मिलता। लेकिन कंकड़ पत्थर से मुक्त अच्छी मऊ जमीन है, अच्छी जमीन अच्छी है, और ऐसे जगह पर यदि कोई किसान विवेकपूर्ण ढंग से बीज बोता है तो उसका फल अधिक मिलता है। और तथागत बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार ये
कंकड़ पत्थर वाली जमीन में या घास वाली जमीन में, व्यर्थ घास जहां पर है वहां अच्छा फल नहीं मिलता। इसी प्रकार जहां इच्छा है, लोभ है, द्वेष है, भय है, आसक्ति है, ऐसे विकारग्रस्त चित्त जिनका है, विकारों में जिनका चित्त डूबा हुआ है, और ऐसे जगह पर दिया हुआ दान वो अधिक फल नहीं देता। लेकिन जो विकार मुक्त चित्त है, विकार विहीन चित्त है, जहाँ तृष्णा नहीं, जहाँ आसक्ति नहीं, अनुराग नहीं, जहाँ पर क्रोध नहीं, द्वेष नहीं, और ऐसे जगह पर दिया हुआ दान वो अधिक फल देता है, अधिक फल देता है। तो ये बात तथागत भगवान बुद्ध ने जो इस चार गाथाओं से वो देवता लोक में बुद्ध ने ये बात बताई है, और इसीलिए सोच समझकर विवेकपूर्ण दिया हुआ दान जीवन में लंबे समय तक फलदायी होता है। ये जो सामा नाम का घास है या कोदो नाम का घास, ये निरर्थक घास इसे कहा जाता है। इसी तरह प्राणियों के चित्त में जहाँ उत्पन्न राग, द्वेष, मोह, ऐसे ये विकार प्राणियों के व्यक्ति के चित्त को दूषित करते हैं, उसको ये विकृत करते हैं, और उसमें जो अच्छा फल नहीं मिलता है, सुखदायी फल, महान पुण्य जिसे कहते हैं, वो फल ऐसे जगह पर नहीं मिलता, क्योंकि वो चित्त विकृत हो जाने के कारण। लेकिन जहाँ निर्मल चित्त है, जहाँ पर निर्मलता है, करुणा है, मैत्री है, जहाँ पर द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, कोई विकार नहीं, ऐसे विकार विहीन और मुक्त हुए व्यक्ति को दिया गया दान ये अधिक फल देता है, अधिक फल देता है। जैसे कि आपने अनुरुद्ध स्थविर को जो फल दिया, तो ये देवपुत्र लोक में आपने वो फल पा लिया, लेकिन वो दान यदि और भी आप अच्छी तरह से देते तो और भी ऊंचा फल पा लेते थे। इस प्रकार के भाव से तथागत भगवान बुद्ध ने ये बातें अंकुर और इंद्रक, ये दोनों देवपुत्र को ये गाथा कही है, और ये गाथा सुनकर ये दोनों देवपुत्र श्रोतापन्न फल को पा गए, श्रोतापन्न फल को पा गए, और बहुत सारे लोगों को इससे लाभ मिला, इससे लाभ मिला। तो ये जो घटना के साथ ये चार गाथाएं जुड़ी हुई है धम्मपद की, और जो तथागत बुद्ध ने इंद्रक को ये गाथाएं बताकर, दान का महत्व बताकर, और किस प्रकार विवेकपूर्ण सोच समझकर कहाँ मैं दान दूँ, कहाँ मुझे दान देना चाहिए, कहाँ मुझे अच्छा फल मिलेगा, ऐसा सोचकर बुद्धिमान व्यक्ति ने दान देना चाहिए। जैसे कि किसान हमेशा बहुत विवेकपूर्ण दृष्टि से वो अच्छे जमीन में बीज बोता है, बीज बोने के समय वो जमीन को बहुत अच्छी बनाता है, बहुत मऊ बनाता है उसे, और उसके बाद वो बीज बोता है और अच्छे फल पाता है। तो ये खेती का और घास का उदाहरण देकर तथागत बुद्ध ने दान के महत्व को समझाया है, और विवेकपूर्ण ढंग से दान देना चाहिए, यही बात तथागत बुद्ध ने यहाँ इन गाथाओं के द्वारा समझाई है। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत
राहुल बोधी महाथेरो, आप सबका सबका मंगल हो।